हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमको धमाका देखने के लिए मिला है। 19% तक के अपसाइड के साथ हमको स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। 19-19% तक के अपसाइड के साथ हमको स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियो में हमने एक सपोर्ट लेवल को डिस्कस किया था, 30 का सपोर्ट लेवल, और इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये जो इसका हाई है 29-20 का लेवल, ये सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब गिरावट आई है तो हमने देखा कि इस लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया स्टॉक ने, और बाउंस बैक के साथ अपना जो हाई था उसी हाई के पास हमको क्लोजिंग दिखाई है। तो वैसे कंडीशन में हमको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग डे में। मंडे के दिन हो सकता है हमको यहाँ और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिले। सपोर्ट लेवल को डिस्कस करें तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 31 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 30 का, और 30 का इसका तगड़ा सपोर्ट जोन है। लेकिन अभी यहाँ गिरावट नज़र आना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक ने बाउंस बैक के साथ यहाँ क्लोजिंग दिखाई है अपने हाई के आसपास, तो ऐसी कंडीशन में हाई ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। अब डिस्कस करते हैं हम टारगेट को। इमीडिएट टारगेट बनने वाला हमारा 34 का लेवल, 34-40 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा, और वहाँ से छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर 34-40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो उसके बाद हमको इसमें सीधे 40 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।